नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों वोडाफोन आइडिया के ऊपर। दोस्तों ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों इस स्टॉक में अभी जगह नहीं है दोस्तों, लिक्विड का जो इश्यू है दोस्तों कि पैसा नहीं है। फंड रेजिंग का न्यूज़ आया दोस्तों स्टॉक में, आप एक मंथ में मूवमेंट देख सकते हैं, 16.76% का स्टॉक ने गेन किया दोस्तों। 10 रुपीज़ और 10 पैसे का क्लोजिंग है दोस्तों अभी का। अब अगर एक मंथ की बात करें तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। अगर 5 दिन की बात की जाए दोस्तों काफ़ी अच्छा मूवमेंट, वॉलेटाइल मूवमेंट रहा है ये वीक में है दोस्तों। और बाद में दोस्तों हाई बनते हैं अच्छे न्यूज़ ऊपर और लो भी बन जाते हैं बुरे न्यूज़ के ऊपर। एक दिन में दोस्तों कुछ खास मूवमेंट नहीं आया, 3.335% का दोस्तों नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। उसका रीज़न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रीज़न है। तो आप दोस्तों 6 मंथ में देखोगे तो कुछ परफॉर्म नहीं किया है, मार्केट बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया बट ये स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है दोस्तों। अब जो आज की गिरावट है उसकी वजह यही है दोस्तों, जियो इफेक्ट, टेलीकॉम ऑपरेटर टू टेक अ लॉन्ग पोज ऑन अ टैरिफ हाई दोस्तों। आपको पता है वोडाफोन आइडिया में पैसों की कमी है दोस्तों, और पैसे दो तरह से बढ़ते हैं कि बिजनेस में पैसा बढ़ जाए या सब्सक्राइबर बढ़े दोस्तों। नेटवर्क का लिमिटेशन है उसकी वजह से सब्सक्राइबर तो उन्होंने बहुत लूज़ किए हैं ड्यू टू बैड नेटवर्क, बट अब पैसे भी नहीं बढ़ा सकते दोस्तों। उन्होंने काफ़ी अच्छे प्लान लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं कंपनी, बट आगे नहीं हो रहा है। अब दोस्तों डिलीवरी के ऊपर चलते हैं कि फंड रेजिंग का जो न्यूज़ आया था उसके बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया डिलीवरी में। 35.8% का 21 जून को था दोस्तों डिलीवरी, सडन जंप आया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि 39.5 का 22 जून था उसमें था, और डिलीवरी काफ़ी अच्छा आ रहा था। 24 जून को 43.6% का डिलीवरी था दोस्तों, और बाकी दो दिन डिलीवरी कम हुआ है। अगर आज के दिन की बात की जाए दोस्तों 29 जून को दोस्तों, तो अभी का क्लोजिंग है 10.10 का, और दोस्तों स्टॉक में 48% का डिलीवरी आया है दोस्तों। 14,88,02,780 का दोस्तों क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। डिलीवरी क्वांटिटी जो हुआ है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, 6 करोड़ है, यानी कि काफ़ी कुछ मूवमेंट आया है दोस्तों यहाँ पे। अब जो न्यूज़ आया था वो काफ़ी अच्छा न्यूज़ था लास्ट वीक में, कि वोडाफोन आइडिया पार्टनर्स विथ सिस्को टू सपोर्ट 4G एंड 5G यूज़र एक्सपीरियंस। दोस्तों करते हैं चार्ट के ऊपर, तो मैं दोस्तों आइडिया का भी चार्ट एनालिसिस करूँगा और भारतीय एयरटेल का भी दोस्तों चार्ट एनालिसिस करूँगा। अब आइडिया जो है वो दोस्तों ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, और दोस्तों आप मेरे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि ये जो ट्रेंड लाइन थी वहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था कि दोस्तों उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही थी स्टॉक में, और यहीं से दोस्तों स्टॉक ने बेहतरीन मूवमेंट दिया। ये जो दिन था जब फंड रेजिंग की न्यूज़ आई थी मार्केट में, और दोस्तों जो रजिस्टेंस लेवल है 10.20 का वो भी बताया हुआ है पहले से ही। दूसरा जो ट्रेंड लाइन था वो भी वहीं से खींचा हुआ था T2, और वहाँ से दोस्तों आपको ये तोड़ दिया और यहाँ पे आपको मूवमेंट भी दिया दूसरे दिन, फिर यहाँ से नीचे आ गया स्टॉक। यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्टॉक को कि क्या करना चाहिए, अप एंड डाउन मूवमेंट ज़्यादा दिखा रहा है स्टॉक अभी भी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 10.20 का जो है वो रेजिस्टेंस लेवल था और वो सपोर्ट भी था, बट दोस्तों उसको तोड़ दिया है। तो आप 10.20 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बेच के 1 या 2 दिन के लिए इसको बेच सकते हैं दोस्तों, बट डिलीवरी वॉल्यूम हाई है। अगर 10.20 के ऊपर ही खुलता है दोस्तों तो 10.20 का स्टॉप लॉस बन जाएगा वहीं पे। तो 5-10 पैसे का दोस्तों मूवमेंट आप स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं इस स्टॉक में दोस्तों, और ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है तो काफ़ी अच्छा है। तो आपको 2-3 दिन अच्छा मूवमेंट दे भी सकता है, नज़दीक भी आ सकता है दोस्तों स्टॉक। अब चलते हैं सीधा भारती एयरटेल के ऊपर दोस्तों। तो भारती एयरटेल दोस्तों इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, और इसको दोस्तों मैं वीकली चार्ट के ऊपर आपको बताता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है दोस्तों स्टॉक, बट वीकली चार्ट के ऊपर क्यों बताना है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। मैं बहुत बार कवर कर चुका हूँ इस स्टॉक को अपने चैनल के ऊपर, और क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी 4 रुपये का दोस्तों स्टॉप लॉस है और आपको बहुत ही बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में मिल सकता है। स्टॉप लॉस क्यों 4 रुपये का है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो कैंडल यहाँ पे है 5 मार्च का लो बनाया था 521, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, 12 मार्च लो बनाया था 514, क्लोज दिया 524 दोस्तों, लो बनाया है 19 मार्च को 515 का, क्लोज दिया 529, लो बनाया है 499, क्लोज दिया 522। आप देखो पूरे सारे कैंडल देखो दोस्तों,
वहीं पे दोस्तों क्लोजिंग जो है ना वो 520 के ऊपर ही दे रहा है स्टॉक। तो दोस्तों जब तक 520 के नीचे क्लोज नहीं देता है दोस्तों, जितनी बार जितना नज़दीक मिले वहाँ से लो, ऊपर बेच दो। बहुत ही बेहतरीन एक ही स्टॉप आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा बना के देगा दोस्तों। ऐसा ही मैंने स्नोमैन लॉजिस्टिक में बताया था, ऐसा ही मैंने स्ट्रेटेजी आपको ITC में बताया था दोस्तों। अलग अलग स्टॉक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ पे मिल रहा है। और दूसरा कि जो 38.2% का रिट्रेसमेंट है वो भी 54 रुपीज़ में है दोस्तों। तो जब तक 520 का लेवल हमें नहीं टूटता है तब तक इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के जरिए भी हम पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और आप इस स्टॉक में ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लॉन्ग लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।